5 अगस्त अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर उसे जीतू पटवारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिया, जिसे देखकर गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर शनिवार रात 10 बजे ज्ञापन दिया। इन सबको देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज इंदौर DIG हरिनारायण चारी मिश्र को ज्ञापन देते हुए जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा कि सरकार और प्रशासन दोहरी नीति में अपना काम कर रहे हैं। जब शहर में 10 बजे लॉकडाउन लग जाता है तो भाजपा कार्यकर्ता कैसे ज्ञापन दे सकते हैं, इस पर किसी तरह की कार्यवाही क्यों नहीं की गई, हमेशा विपक्ष पर ही क्यों कार्यवाही की जाती है, ये दोहरी नीति हम नहीं चलने देंगे। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और भाजपा आयोग के कहने पर कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज हो रहा है और कांग्रेस ही कह रहा है कि हम पर हमारी बात नहीं सुनी जा रही। एक्चुअल में क्या है DIG साहब? मुख्य तौर पे एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन दिया है जिससे मुख्य तौर पर पिछले दिनों एक प्रकरण कायम हुआ था उसको लेकर के, और उन्होंने भी संबंधित कुछ दस्तावेज दिए हैं, उनके परीक्षण के बाद संबंधित वैधानिक कार्रवाई की जाए। हमारी मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शनिवार के दिन रात को 11 बजे आकर यहाँ पर ज्ञापन देते हैं उन पर मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने कर्फ्यू का उल्लंघन किया है, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू यही जिला प्रशासन ने लगा रखा था। ऐसी क्या हन बड़ी थी, एक सोशल मीडिया का मामला था, आज दे देते, आज ये मिल लेते और मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा होता छत्रीपुरा थाने पे, उसके अध्यक्ष रहते हैं न्यू पलासी में, थाने पे होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी का में श्वेतागंज में होना चाहिए। ये कौन सी दोहरी नीति अपनाई जा रही है? हम जब मांग सड़क पर आते हैं तो हम पे मुकदमा दर्ज हो जाता है सब नेताओं पर, ब्याज मर्ज हो क्यों पार्टी के लोग नहीं देखो, क्या पुलिस प्रशासन के हाथ बंद बंद के रखी क्या, उन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करती है? दो हफ्ते पहले अंजुमा की प्रेस लेती है लॉकडाउन के दिन पूरे में खुद जाते हो तुम, हम यहाँ पे शिकायत करते हैं DIG को, तो DIG ने क्यों नहीं उन पर मुकदमा दर्ज किया है? ऐसे अनेक उदाहरण है, जब ये कुछ भी कर लें तो मुकदमा दर्ज नहीं होता है, केवल कांग्रेस पे मुकदमा दर्ज होना विपक्ष की आप दबाए। हम सड़क पे आके हमें लड़ना पर लड़ाई लड़े, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे भी मुकदमा करा के ही मानेंगे। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इंदौर अरविंद भदौरिया, मंत्री रामेश्वर, मंत्री अमित मालवीय इंचार्ज BJP IT सेल, सुदर्शन गुप्ता पूर्वक, पवित्र संवित पात्रा प्रवक्ता जनता पार्टी अंचाल, जिला संयोजक IT सेल भाजपा, शोभा करण लजे सांसद चिकमंगलूर कर्नाटक, अभी हम मिलने जा रहे हैं, हम बात करेंगे। बाहर आपकी क्या बात हुई? अभी बात उन्होंने ज्ञापन लेकर अंदर चले गए, हमसे कोई बात ही नहीं करी, अब हम अंदर जाके चर्चा करेंगे उनसे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।